दोस्तों सब्सक्राइब करें ड्राइविंग हब चैनल को और देखें नए वीडियोस अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं ड्राइविंग हब। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर और ओला के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कैब कंपनीज में से है। इंडिया में नियर अबाउट 95% मार्केट उबर और ओला का है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उबर और ओला में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और ज्वाइन होने के बाद आपको उसमें इंसेंटिव कितना मिलेगा, यानी कि आप कितना कमा पाओगे, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे तो दोनों के लिए रिक्वायरमेंट सेम है और अर्निंग भी नियर अबाउट सेम ही है, फिर भी मैं आपको उबर के बारे में आज डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको उबर में ज्वाइन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको एक कार की जरूरत है जो कि 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और उसमें एसी होना चाहिए। उसके बाद आपको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, और साथ ही आपको नेशनल या तो स्टेट लेवल की परमिट की जरूरत पड़ेगी, और आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट येलो कलर की हो जाएगी। गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर्स, आरसी बुक और टैक्स रिसिप्ट। उसके बाद आपको बैंक डिपॉजिट के लिए कैंसिल चेक की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। अभी आपकी गाड़ी ड्राइवर चला रहा है तो उसका एड्रेस प्रूफ, या तो फिर आप खुद चला रहे हो तो आपका एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। आपके पास अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स रेडी है तो आप 7 दिन के अंदर अंदर उबर ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अब ये तो हो गई उबर ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात। अब इसमें ज्वाइन होने के बाद आपकी कमाई कितनी होगी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए उबर और ओला दोनों का एक पे आउट प्लान बना हुआ है, जो कि दोनों का ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। अगर आप 5 ट्रिप कंप्लीट करते हो तो आपको 2000 रुपीज मिलेंगे। बिल्कुल वैसे ही आप अगर 7 ट्रिप्स कंप्लीट करते हो तो आपको 2700 रुपीज मिलेंगे। उसके बाद 10 ट्रिप खत्म करने पर आपको 4000 मिलेंगे, और 14 ट्रिप्स पर 6000 मिलेंगे। दोस्तों ये जो आपको मैंने पे आउट बताया उसमें उबर का टैक्स और आपकी कमाई दोनों इंक्लूड है। अभी ये जो उबर टैक्स है उसमें उबर की फीस आ गई, और साथ ही 25% उनका प्रॉफिट भी आ गया। उसके बाद गाड़ी का खर्चा, मेंटेनेंस, पेट्रोल या डीजल का खर्चा, ड्राइवर की सैलरी, ये सब ओनर के ऊपर है। दोस्तों अब एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आप रोज की 10 ट्रिप्स कंप्लीट करते हैं, तो इस हिसाब से आपकी अर्निंग हुई 4000 रुपीज इंटू 30 डेज। यहाँ पर एक भी छुट्टी कैलकुलेट नहीं की है मैंने। आप रोज गाड़ी चलाते हो और रोज की एवरेज 10 ट्रिप्स कंप्लीट करते हो, तो इसका टोटल हो जाएगा 1,20,000। अब इसमें से उबर टैक्स माइनस करते हैं, यानी कि 1,20,000 का 25% होता है 30,000, उसको माइनस कर लेते हैं तो बचता है 90,000। अब मान लीजिए कि आपने ड्राइवर रखा हुआ है तो उसको आप मिनिमम 400 to 500 रुपीज देंगे। उसके बाद पेट्रोल या डीजल का एक्सपेंस 400 to 500 गिनते हैं। अंदाजा आप 1000 रुपीज लगा लो, 1000 × 30 = 30,000 रुपीज। तो इसको भी इसमें से माइनस कर लेते हैं तो बच जाएगा 60,000 रुपीज। अब दोस्तों 60,000 भी आपकी नेट इनकम नहीं है, ओके। अब मान लीजिए आपकी कार 6 लाख की है, और ऑन एन एवरेज आपकी कार 150 किलोमीटर चलती है रोज का, तो 150 किलोमीटर इंटू 30 डेज, यानी कि 4500 किलोमीटर आपकी गाड़ी एक महीने के अंदर चल जाएगी, और एक साल का कैलकुलेट करें तो 54,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाएगी एक साल के अंदर। और यही कैलकुलेशन अगर आप 2 साल के लिए करते हो तो आपकी गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा चल जाएगी। और आपको ये तो पता ही है कि 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा चल जाने पर गाड़ी की वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी, यानी कि 6 लाख की गाड़ी की वैल्यू 3 लाख से भी कम हो जाएगी। इसके बाद आपको अपनी गाड़ी की सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पर करवानी है, यानी कि हर महीने का सर्विस कॉस्ट आप 5,000 गिन लीजिए, तो एक साल का 60,000, और ऐसे ही 2 साल का 1,20,000 हो गया। अब 3 लाख जो डेप्रिसिएशन था और 1,20,000 मेंटेनेंस, दोनों मिला के हो गया 4,20,000, जिसको हम 24 मंथ से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 17,500, यानी कि हर महीने का आपका 17,500 हिडन कॉस्ट है जो आपको पता भी नहीं चलेगी। यानी कि आप जो 60,000 नेट इनकम समझ रहे हो उसमें से 17,500 और माइनस हो जाएंगे, तो बच जाएंगे 42,500 जो कि आपकी नेट इनकम है। और आप सोच सकते हैं कि 10 ट्रिप्स रोज का कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसके लिए आपको 12-12 घंटे 18 घंटे भी काम करना पड़ेगा, और एक भी छुट्टी तो है ही नहीं। तो जो लोग बोलते हैं कि उबर ओला में बहुत पैसे मिलते हैं तो वो बहुत बड़ा झूठ है। हाँ, आपको पार्ट टाइम काम करना है उबर ओला के साथ तो आप कीजिए, बाकी आपको फुल टाइम काम करना है उबर के साथ तो आपकी कमाई इतनी नहीं होगी जितनी आपने सुनी होगी। तो दोस्तों आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि उबर ओला ड्राइवर्स कितना कमाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल ड्राइविंग हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।